इंटेंसिटी कुछ आर्टिकल्स हमारे इसमें चैप्टर के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, दिस इज कैपिटल क्यू, पॉजिटिव चार्ज पहुँच गया एंड एट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट पी। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम दिस टेस्ट चार्ज, दिस सोर्स चार्ज क्यू। एंड वी विल प्लेस हेयर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट हेयर इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यूनिट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपेल करेगा, डायरेक्शन जो आएगी वो यूनिट वेक्टर के अलोंग आएगी, इस तरफ डायरेक्शन आएगी इसकी अगर फोर्स ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव। तो मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें अगर पी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कूलम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी दिस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, और एफ को डिवाइड कर देते हैं क्यू नॉट से तो हमारे पास क्या बचेगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, और डायरेक्शन क्या आएगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो दिस इज ए फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं पिछले यूनिट में। तो सेकेंड आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। एन चार्ज ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ एन चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्ज लिए हमने इनको, पॉइंट चार्ज लिए। क्या कंसीडर किया, कुछ चार्ज हमारे पास है क्यू वन, जैसे क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर एंड क्यू एन हमारे पास चार्ज हैं, एन चार्ज हैं। और एक सबसे पहले हम सपोज करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे अगर हम सपोज करें, मान लो ये हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे। और इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, इस पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करें, दिस इज आर नॉट पोजीशन वेक्टर, आर पी भी लिख सकते हैं हम इसको, आर पी। चार्ज डिफाइन करना है तो चार्ज के लिए नॉट लगा दिया, और अगर हमें पी पॉइंट पी की पोजीशन दिखानी है तो आर पी भी लिख सकते हैं इसको। और अगर क्यू वन चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट चार्ज क्यू वन, इसका पोजीशन वेक्टर आर वन। ऐसे ही हमारे पास दूसरा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं क्यू टू, पोजीशन वेक्टर इसका आर टू। सारे चार्ज ना दिखा करके हम कुछ चार्ज ही दिखाएंगे, nth चार्ज दिखा देते हैं यहाँ क्यू एन, और पोजीशन वेक्टर इसका आर एन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स निकाल लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन देखें फोर्स की, डायरेक्शन इधर आएगी, तो ये फोर्स जो है नोट पे लगा हुआ है और वन चार्ज लगा रहा है क्यू नोट चार्ज पे, इसलिए इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी एफ नोट वन। ऐसे ही सेकेंड चार्ज जो इस फोर्स लगाएगा इधर, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ नॉट टू से। ऐसे एन एथ चार्ज जब फोर्स लगाएगा, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ नॉट एन से। और अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये फाइंड आउट करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरह से ये फाइंड आउट करें, तो वन से नॉट की तरफ हमने लगाया, या वन से पी की तरफ लगाया, पी पॉइंट की तरफ, वन से किसकी तरफ लगाया है, पी की तरफ। तो इसलिए इसको मैंने वन पी लिख दिया, नोट लिखना चाहो नोट भी लिख सकते हो आप इसको वन पी। ऐसे ही टू से जो ड्रॉ किया हमने, इसको मैंने राइट कर दिया आर टू से पी की तरफ, तो आर टू पी। और ऐसे ही एन से जो हमने ड्रॉ किया है, इसको मैंने राइट कर दिया आर एन चार्ज से ड्रॉ किया है पी की तरफ, तो आर एन पी। तो ये इनके जो है रिस्पेक्टिव डिस्टेंस हो गया है क्यू वन और क्यू नॉट के बीच में, क्यू टू और क्यू नॉट के बीच में, क्यू एन और क्यू नॉट के बीच में। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है फर्स्ट चार्ज की वजह से। फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू जितना ये कूलम फोर्स लगाएगा,
किस पे कूलम फोर्स लगाएगा? फर्स्ट क्यूनोड चार्ज पे, जो फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, और उसको हमें डिवाइड कर देना किससे, क्यूनोड से। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम राइट कर सकते हैं के क्यून क्यूनोड डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटू में क्यूनोड चार्ज। तो क्यूनोड से कहीं ना कहीं क्यूनोड क्या हो जाएगा, कैंसिल। और डायरेक्शन, अब यहाँ पे जो ये हमने डिस्टेंस लिया, इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, आर वन, वन से पी की तरफ है तो आर वन पी, ऐसे राइट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर आर वन से पी की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन जो आएगा, दिस इज इक्वल टू के क्यू वन डिवाइड बाई आर वन पी। अगर आप मॉडुलस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मॉडुलस लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आर वन पी यूनिट वेक्टर। ऐसे ही सेकेंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, ई टू राइट किया उसके को हमने, ई टू जो आएगा कि यहाँ पे क्यू वन की जगह क्यू टू हो जाएगा, और टू की वन की जगह क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। मॉडुलस कर दो इसका, स्केयर कर दो, और डायरेक्शन टू से पी की तरफ हो जाएगी यूनिट वेक्टर। तीसरा जो है एन थ्री भी निकाल सकते हैं, फोर भी, ई फोर भी निकाल सकते हैं हम, लास्ट में ई एन राइट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एच चार्ज एट पॉइंट पी। तो ये कितना आएगा कि क्यू एन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा आर एन पी, क्योंकि एन एच चार्ज से पी की तरफ हमने ये इसको लिया है, इसका स्केयर, और यूनिट वैक्टर आर एन पी। अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, क्या कर दोगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कर देना है, अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जैसे फोर्सेस में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाया था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा पी पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ई पी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट पी। तो एन के एन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लेके उनका वेक्टर सम कर देना है, वेक्टर लगाना नहीं बोलना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसकी वैल्यूज पुट करें हम यहाँ पे, सब में क्या चीज़ कॉमन है, अगर सब में कॉमन चेक करें हम, क्या कॉमन है सब में, के कॉमन है सब में, के ही कॉमन है सिर्फ, और के की वैल्यू हमें पता है, बाद में लगाएंगे। और बाकी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू वन डिवाइड बाई आर वन पी वैक्टर स्केयर आर वन पी यूनिट वैक्टर, ऐसे ही क्यू टू डिवाइड बाई आर टू पी वैक्टर, मॉडुलस स्केयर कर दो और आर टू पी कैप, और लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी, लास्ट टर्म जो आएगी क्यू एन आर एन पी मॉडुलस स्केयर और आर एन पी यूनिट वैक्टर। मीनिंग ऐसे हमने इसको राइट कर दिया, हम इसको समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई पी को समीशन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, समीशन लगा देंगे, के बाहर लिख दो, क्योंकि के तो हमने फिक्स वैल्यू ली हुई है के की, किसी भी गिवन मीडियम के लिए एसआई सिस्टम के अंदर, तो वैल्यू पुट करेंगे के की बाद में, समीशन लगाना है हमें। और आई सपोज करेंगे हम भी, हमारा जो वन है वो आई से वेरी कर रहा है, और आई की वैल्यू वन से लेके एन तक है, अगर एन चार्ज हमने लिया हुआ है, तो क्यू वन की जगह क्या राइट कर देंगे, क्यू आई राइट कर देंगे, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हो, और आर आई पी राइट कर देंगे इसको। देखो तो पी की जगह आप नोट भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, नोट भी लगा सकते हो, और ऐसे यहाँ पे आर आई पी यूनिट वेक्टर। तो मीनिंग कहीं ना कहीं हमने मॉडुलस की फॉर्म में इसको इस तरह से राइट कर दिया। अगर के की वैल्यू आपको पुट करनी है एसआई सिस्टम के अंदर, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस एट एनी पॉइंट। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, स्नैपशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से पता लगा, यहाँ से आप इसका नाम अगर देखो, यहाँ से आप पता लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक मीनिंग चार्ज, डाई मीनिंग दो, पोल, पोल भी चार्ज से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसके दो पोल हैं, यानी कि दो तरह का चार्ज लेना हमें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो हमारे पास पोल हैं, इक्वल चार्ज हैं और अपोजिट काइंड के।
अगर हम इनको अरेंज कर दें इस तरह से कि इनको कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें, और डिस्टेंस इनके बीच का हम हर एक केस में यही मान के चलेंगे 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दो पॉइंट चार्ज हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट काइंड के हैं एंड सेपरेटेड बाय सम गैप, एंड दिस गैप बिटवीन द अपोजिट चार्जेस इज 2a. दिस अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द इट इज द अरेंजमेंट arrangement of two equal and opposite charge, equal and opposite charge separated by some gap. By some distance. मीनिंग क्या है? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज की अरेंजमेंट है कि हम उनको कुछ गैप पे रख दें, ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ले, एक मान लो ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इधर हमारे पास है उतना ही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन हमारे पास कितना है? 2a. तो इसका सेंटर जो आएगा, ये इसका सेंटर आ जाएगा, सेंटर को हम लिख सकते हैं O से, यानी कि सेंटर से इतना ही डिस्टेंस प्लस q चार्ज का है और इतना ही डिस्टेंस किसका है? माइनस q चार्ज का. a सेंटर से डिस्टेंस है माइनस q चार्ज का, ऐसे ही a डिस्टेंस सेंटर से किसका है? प्लस q चार्ज का. तो मिड पॉइंट को हमने इसके रिप्रेजेंट किया है पॉइंट O से, ये मिड पॉइंट डाइपोल का हो जाएगा. हम इसको एक लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए ए बी लाइन. ये ए बी जो है डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का, और ए बी जो डिस्टेंस है, दिस ए बी दिस इज इक्वल टू 2a. ये 2a डिस्टेंस दोनों के बीच का है. अगर हम डाइपोल पे टोटल चार्ज चेक करें, टोटल चार्ज कितना आएगा डाइपोल पे? टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आएगा, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. तो एल्जेब्रिकली चार्ज ऐड होते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं चार्जेस की, एल्जेब्रिकली ऐड होंगे तो टोटल चार्ज क्या आएगा? जीरो. अगर मैं इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करूँ तो टोटल चार्ज हमारा जीरो आएगा. अब क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है, अभी क्यू वन प्लस क्यू टू मैंने राइट किया है, क्यू वन प्लस क्यू टू दिस इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने राइट कर दिया, क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू जीरो. What is its physical significance? What is its physical significance? क्या physical significance होगी इसकी? तो physical significance क्या है? इसका meaning क्या? क्यू वन इज इक्वल टू माइनस क्यू टू. एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा क्या है उसका? अपोजिट, और इक्वल नेगेटिव चार्ज है. तो इसका physical significance क्या है? इट रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो ये इसका हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस. हम कुछ एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कर सकते हैं. जैसे हमारे पास मोलिक्यूल एटम्स या मोलिक्यूल्स होते हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, वाटर का केस ले सकते हैं. वाटर, वाटर में भी दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दो पोल बन जाएंगे वहाँ भी. अल्कोहल ले सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है हम पढ़ते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम पढ़ते हैं यहाँ पे HCl, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज. अगर एक तरफ हम हाइड्रोजन दिखाएं पॉजिटिव और दूसरी तरफ हम क्लोरीन पे दिखाएं Cl नेगेटिव चार्ज, इक्वल है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, इस पे यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में इसकी बॉन्ड की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है. तो ये लेंथ किसका काम करेगी? सेपरेशन का काम करेगी. तो एक अरेंजमेंट हो गया किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रॉपर्टी में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये एक तरह की मेजर होती है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इट इज़ द मेजर ऑफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रोंग है, ठीक है, ये उसकी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो SI यूनिट की अगर हम बात करें, या हम इसको अनदर वे में इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, स्मॉल लेटर से लिख सकते हो आप इसको, P से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। पी के ऊपर वेक्टर लगाया हमने वेक्टर दिखाने के लिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अगर बात करें, तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, मैग्नीट्यूड क्या आएगा पी का, अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो कोई भी हमने जब एक डाइपोल कंसीडर किया, माइनस के चार्ज प्लस के चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, हम किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और इस मैग्नीट्यूड को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि क्यू इंटू टू ए। तो दिस इज़ द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। चार्ज का मैग्नीट्यूड मीनिंग पॉजिटिव वैल्यू, और उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, अगर दोनों की हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ पी, डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ पी, पी की जो डायरेक्शन आएगी, तो नेगेटिव चार्ज से हम किसकी तरफ ले गए इसको, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पर पॉइंट बी दिखा दूँ, तो डायरेक्शन क्या आएगी पी की, ए से बी आएगी। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, पी क्यू मैग्नीट्यूड आ गया चार्ज का, और ये जो 2a जो हमने लिखा है इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। 2a को हम ab भी राइट कर सकते हैं यहाँ, अगर b से a होता तो हम उल्टा लिखते हैं, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज इधर होता पॉजिटिव इधर होता तब ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स में आ जाती है। यानी कि 2a की डायरेक्शन जो आएगी नेगेटिव से हमें कंसिडर करना है, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज, और फाइनल पॉइंट हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ए से हमें चलना है किसकी तरफ, बी की तरफ। इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, पी इंटू टू ए के ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसकी है, डाइपोल मोमेंट की। ये क्या होगी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसी के अंदर डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन के बाद अगर हम यूनिट चेक करें, SI यूनिट क्या आएगी, पी। डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होगी, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगी यूनिट इसकी, क्या हो जाएगी कि सी कैपिटल राइट करना, कभी स्मॉल राइट कर दो, क्योंकि स्मॉल अगर आप राइट कर दोगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, तो सेंटीमीटर इज नॉट यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट, कूलम मीटर, सी मीनिंग कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज, और एम मीनिंग मीटर, कूलम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला भी चार्ज के लिए हम लिखते हैं एम्पियर की पावर 1 टाइम की पावर 1, और मीटर के लिए डिस्टेंस आ जाएगा एल की पावर 1। तो एम इसमें नहीं है, एम 0, एल की पावर 1 हो जाएगा, टी की पावर 1 हो जाएगा, और एम्पियर की पावर भी कितना हो जाएगा 1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर पी, पी का ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल के ही नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, आइडियल डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल एक ऐसे डाइपोल को बोलते हैं जिसके चार्ज की स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट लार्ज है,
बट जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2a लिया है हमने, 2a दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये क्या लेना हमें वेरी स्मॉल, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर चार्जेस के बीच में क्या वेरी स्मॉल है तो डाइपोल मोमेंट जो आएगा p, या मीनिंग क्या है p का, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा क्या वो इंटू टू ए, मीनिंग क्या है आइडियल डाइपोल, एक ऐसे डाइपोल को बोलते हैं हम जिसका साइज जो है वो वेरी स्मॉल है, द स्मॉलेस्ट डाइपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, तो मीनिंग ऐसे डाइपोल को हम जो बोलते हैं जिसका साइज क्या है डाइपोल का वेरी स्मॉल है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो वेरी स्मॉल है, क्लियर है, मीनिंग आइडियल डाइपोल क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लार्ज है बट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, दैट डाइपोल इज नोन एज आइडियल डाइपोल। और अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट, यही इसकी फिजिकल जो है सिग्निफिकेंस है जिसका हमारे रियल लाइफ में यूज है, केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, मीनिंग क्या अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू है इसका मीनिंग वो कैसा होगा पोलर, और अगर नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है जीरो तो वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। अब नेक्स्ट आता है डाइपोल फील्ड क्या होगा, डाइपोल फील्ड की बात करेंगे हम, डाइपोल फील्ड क्या है, फील्ड ये स्पेस है, ये भी एक किसके अराउंड स्पेस है, अब एक डाइपोल के अराउंड स्पेस है जिसके अंदर कोई भी अनदर चार्ज इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकता है एक्सपीरियंस कर सकता है, तो डाइपोल फील्ड हो गया स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, तो मीनिंग क्या होगा स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट of the dipole can be experienced, meaning एक dipole अगर हमने लिया है ये electric field हम इसका draw कर चुके हैं, इसके around वो space जिसके अंदर कोई भी इसके around space जिसके अंदर क्या experience किया जाता है electric force experience किया जा सकता है, यानी कि electric effect को experience किया जा सकता है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, बेसिकली हम दो ही पॉइंट्स पे फाइंड आउट करेंगे, एक तो फाइंड आउट करेंगे एक्सियल लाइन पे और एक फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, दो जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे। थैंक यू, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार देखिए, कुछ ना कुछ नया पता लगेगा। ओके।